कितना अच्छा चांदनी रात है। कैसे हो दोस्त? हाँ? हाँ? क्या क्या दिखा रहे हो? ओ मुझे? कितनी सुंदर, क्यूट क्यूट हो। बगल में देखो, बगल में, बगल में। हाँ? क्या है वहाँ पे? हाँ? आ, आ, अरे अरे अरे, मौत के मुंह में मत जाओ, मत जाओ। ओहो, आज की लड़कियों का ना क्या कह सकते हैं। ओए, और दो लड्डू दो ना माँ, मूंग के लड्डू। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है माँ। अरे यार, ओए, हैप्पी दिवाली चाचा। अरे यार, यार सुबह सुबह क्या आतिशबाजी कर रहे हो? अरे यार, जलाना है तो फुलझड़ी जलाओ मेरे भाई। अरे यार, एक तरफ वो जंतु चिल्ला जा रहा है और दूसरी तरफ ये तो सपने में भूल भाल भग जा रहा है यार। ओए, क्या हो गया? मैं क्या सो रहा था मेरे दोस्त? अरे यार, अब जरा इस तरफ देखो। अरे मुझे छोड़ दे, मुझे मत पकड़, मुझे छोड़ दे, मैं तो यहाँ घूमने आई थी रे। हाँ, छोड़ दे मुझे। अरे बाप रे बाप, ओए ये आप कौन है? ओए, अरे पकड़ो यार, अरे कोई पकड़ो उसे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे रे मुझे। अरे यार तू जाके पकड़ ले यार। मैं तो घूमने आई थी। अरे सामने से तू जाके पकड़ ले यार। छोड़ो ना, क्या हुआ? तुम बह रहे हो क्या? सुनो तो सही, बहरे कहीं के। सुनो ना, अरे नहीं, मुझे छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। मैं जितना रोऊंगी उतना मेरा मेकअप धुलता जाएगा। छोड़ो ना, तुम बहरे हो क्या? तो तू वही, छोड़ो ना प्लीज, मुझे छोड़ो ना, छोड़ो ना। सुनो ना, तुम लोगों को ना मैं एक सुंदर सी जगह पे लेके जाऊंगी, सच बोल रही हूँ। कहाँ ले जाओगे? चलो चलो मेरे साथ चलो। ए यार, अरे बड़ा मजा आ रहा है यार। अरे यार, हम लोग आकाश में उड़ रहे हैं यार। अरे यार, बहुत मजा आ रहा है यार। देखो 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 यार, कितना। ओए, बिल्कुल सच कह रहा है मेरे भाई, आकाश में उड़ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। ए यार, बहुत मजा आ रहा है यार। अरे यार, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे आकाश में उड़ रहा हूँ। ओह बाबा, लो हम लोग आ गए। ओए, कितना लाजवाब जगह है ये, बहुत ही खूबसूरत जगह है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल और बहुत अच्छा लग रहा है। देख मेरे भाई, तू भी देख, चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं। चख के देखो, देखो देखो। ए यार, क्यों खाएंगे? अरे यार, खाने से क्या होगा? अरे बाबा, शैतान लड़को जैसा डरते नहीं है, देखो ना एक बार खा के। अरे यार, ये किस मुसीबत में पड़ गया मैं यार। ठीक है, रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, अरे यार, ये क्या हो रहा है यार? अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, अरे यार, मुझे तुम छोटा कर दो यार। मुझे तुम छोटा कर दो, इतना बड़ा क्यों कर दिया तुम मेरे को? प्लीज यार, तुम मेरे को छोटे कर दो। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अरे यार नहीं यार, अरे यार, मुझे लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हाँ जोड़ता हूँ, प्लीज यार। अरे यार, तुम मुझे पहले
मैं जिस तरह था उस तरह तुम मुझे बना दे यार, मुझे लंबा होने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ओए ये सब क्या कर दिया तूने? देखो मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ, तुम मेरे दोस्त को जल्द से जल्द ठीक कर दो, जितना जल्द ठीक करोगे तुम्हारे लिए उतनी अच्छी होगी। सुनो वो पीला पीला फल है ना, चाके अपने दोस्त को खिला दो, वो फिर से पहले जैसे हो जाएगा, ठीक है? जाओ खिलाओ। ओए ये ले मेरे दोस्त, ये फल तू खा ले। अरे यार मैं तो नीचे नहीं आ सकता ना। हाँ एक काम करो यार, तुम्हारे हाथ में जो फल है वो तू मुझे फेंको यार। अरे यार फल को फेंको यार, मैं बोल रहा हूँ ना, फल को फेंको। ओए ये ले मेरे भाई। कितना स्वीट है। चलो अब हम लोग उधर चलते हैं, चलो। ओए वाह क्या खूबसूरत फल है। ओए मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरे यार लो यार, फिर ये शुरू हो गया। हाँ नहीं यार एकदम नहीं यार, एकदम नहीं, इस फल को मत खाना यार। नहीं यार बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होगा, खाओ, बहुत अच्छा है खाने में, मैं बोल रही हूँ। ओए ओए ये क्या हो रहा है मेरे दोस्त? ओए 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 अरे हाँ अरे यार ये क्या यार, अरे यार मेरा दोस्त तो बिल्कुल छोटा होते जा रहा है। हाँ वाह कितना क्यूट लग रहा है, सोना सोना छोटा बेबी, कितना हो बदमाश पंछी। ओए ये तूने क्या कर दिया? अरे तूने मुझे कितना छोटा बना क्यों दिया? अरे मैं तुझसे बोल रहा हूँ। अरे यार ये काम ठीक नहीं हो रहा है। हाँ मैं तुम्हें बोल दे रहा हूँ यार, ये काम ठीक। अच्छा अच्छा सुनो मुझे गुस्सा मत दिखाओ, ठीक है? वो देखो नीला सा फूल, वो ले जाके वो फूल आपने ले जाके दोस्त को सुनाओ, वो ठीक हो जाएगा। ओए आ आ आ आ कितना सुंदर है। ओहो क्या हुआ, कैसा मजा आया? दुष्ट पंछी, शरारत पंछी, सड़ा हुआ पंछी, तू कैसा? अरे यार तू चुपचाप रहना यार, अभी क्या हुआ? दोनों दोस्त इतना गुस्सा क्यों होते हो बताओ तो, मैं तो तुम्हें बोली थी एक मजे वाले जगह पे लेके जाऊंगी, कैसा मजा आया बताओ तो? बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे मिल के। हाँ यार माँ के हाथ का बना लड्डू अभी भी बहुत याद आ रहा है। चल मेरे भाई, चलो मेरे साथ, चलना आओ, चलते आओ, हैं। अरे यार ए आ गया उतारो मुझे। आ, आ। अब मैं चलती हूँ दोस्त, टाटा। अच्छा, अब उतारो मुझे। अरे यार जाओ यार जाओ यार टाटा स्वीट बॉय। अरे यार जा रहे हो? अरे यार नाम तो बताते जाओ यार। तुम लोग को जो अच्छा लगे उस नाम से बुला सकते हो मुझे, तुम लोगों को पूरा अधिकार है। ओए, कितना स्वीट हो। बाय बाय। ओए टाटा टाटा दुष्ट लड़के। टाटा बाय बाय। टाटा। अरे अरे यार अपने दोस्त का नाम क्या है यार? अरे यार हम लोग अपने दोस्त का नाम दे रहे हैं लैक बैक नेजर। अरे यार आ, 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 अच्छा यार अब अरे चलते यार हैं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए यार, यार चलो यार। ओए यार सुन ना यार। क्यों यार? अरे यार घर में जाकर कोई बात किसी से कुछ मत कहना। अरे यार हम इंसान बहुत ही खराब होते हैं। हाँ एक तो इतना सुंदर जगह पे आएंगे घूमेंगे फिरेंगे और सामान जो अपना जरूरी जो सामान होते हैं तोड़ के नष्ट कर डालते हैं। ओए एकदम बिल्कुल ठीक कहा,
तभी तो हमारे दोस्त साथी कहाँ पे खेलेंगे ये बता। अरे यार वो हेशो राम होशियार है का डेयरी दाना, वो डेयरी वाली बात किसी को मत बताना यार। ओए एकदम दिक्का, जब जब छुट्टी मिलेगी यहाँ पे चलाऊंगा। ओह यार ओए 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 दे ताले। आनंदपुर राज्य, राज्य के राजा का पुरोहित अग्नेश्वर और उनका परिवार बहुत ही छोटा और सुखी था। उनकी घरों में बहुत ही खुशी थी। देखते ही देखते उनकी बेटी बड़ी हो गई। पूरा दिन पूजा ही करोगे, बेटी बड़ी हो गई है उसकी चिंता है आपको, कब उसकी शादी विवाह करोगे? शादी करने के लिए एक अच्छे लड़का चाहिए, हमारे बेटी के शादी के लिए बिना देखे तो नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी सोचते हो, लड़के वड़के देखे हो क्या? हाँ मैं चंद्रपुर गांव में एक विशेष काम के लिए जाऊंगा, आने के समय लड़का देखना शुरू कर दूंगा। अगले दिन पुरोहित गए चित्रकूट राज्य में, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई एक लड़के से। लड़का पसंद करके घर में ले आया बेटी के शादी के लिए। सुनती हो, ये देखो मैं किसे लाया हूँ, मेरे गुरुदेव का लड़का, नाम है नरेंद्र, स्वभाव का बहुत अच्छा है, चाहो कि इसी से बेटी का शादी करवाऊंगा। ये क्या, मैं भी पूजा के लिए एक लड़का देख ली हूँ, इसका नाम है चंदन। ये कैसे हो सकता है, मैं भी बहन के लिए एक लड़का पसंद किया हूँ, ये मेरा दोस्त है काशी, प्रणाम। अब क्या होगा? सुनिए पिताजी, कल मैं बगीचे से फूल तोड़कर एक फूल का माला बनाऊंगी और मैं जिसे पहनाऊंगी आप उसी से मेरा शादी करवा दीजिएगा। ठीक है बेटी, वैसा ही होगा। पूजा मर गई। उसकी अंतिम संस्कार होने के बाद उसके घर वाले और उसके लाश अपने अपने घर लौट गए। रह गए ये तीनों। एक बार देखे मैं पसंद कर लिया। सच में अगर ऊपर वाला मुझे भी बुला लेता उसका सर तो अच्छा होता। सुनो दोस्त, एक काम करते हैं, मैं उसकी अस्थियां लेकर पूरा दुनिया घूमने जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि कोई सन्यासी से बचा पाए। ठीक है दोस्त, तो मैं उसकी राख लेके दुनिया घूमने जाता हूँ, तुम? नहीं, मैं उसकी चिता के पास रहूंगा तुम दोनों के आने तक। ठीक है, हम दोनों वादा करते हैं, ठीक एक साल बाद हम दोनों यही मिलेंगे, तुम हम दोनों का इंतजार करना। दोनों ही रवाना हो गए अपनी अपनी यात्रा पर। नरेंद्र शुरू कर दिया शमशान में योग साधना और एक तरफ चंदन घूमते घूमते आ पहुंचा एक ब्राह्मण के घर। सुनिए सुनिए, कोई है घर में? कोई है? कौन है? मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं दुनिया घूमने के लिए निकला हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ। डरो मत, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तुम घर के अंदर आके कुछ खा लो, आओ तुम अंदर आओ। जी मैं आ रहा हूँ। शैतान लड़का, कब से मेरे को परेशान करके रखा है। ये क्या,
आप एक छोटे नाजन बच्चे को मार दिए है, आप ऐसे कैसे कर सकती है? तुम चिंता मत करो, मैं अपना दिव्य शक्ति से इसे दोबारा जीवित कर दूंगा। उसके बाद वो तांत्रिक अपने बच्चे को दिव्य शक्ति से जीवित कर लिया है और वो सोचने लगा दिव्य शक्ति के किताबें चोरी करने के लिए सोचने लगा। वहां से चला गया किताब लेकर। दोस्त मैं आ गया, साथ में दिव्य मंत्र की किताबें लाया हूँ। इधर एक साल पूरा हो गया और लौट आया काशी भी, और पूजा की अस्थियां एक जगह रखा गया। बस सब तैयार है चंदन, तुम मंत्र शुरू करो। कर रहा हूँ। ओम ओम। पूजा पूजा जिंदा हो गया पूजा। महाराज ये बताइए, उन तीनों में से किसे अपना पति मानेगी? करण चंदन जीवन दान दिया है और वो अपना घमंड में, और काशी उसकी अस्थिया की ख्याल रखा था क्योंकि वो पिता समान है, पूरा एक साल उसका ख्याल रखा था। ऐसा एक पति ही पत्नी के लिए कर सकता। आदा होता आदा बोला। उफ, कितने देर बाद आराम से बैठ पाया हूँ मैं। रुक, तेरे आराम को मैं हराम कर देता हूँ। मुझे नींद आ रहा है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। बगीचे में इतना ठंडा ठंडा हवा बह रही है, मुझे नींद आ रहा है। अच्छा बच्चू, तू सो रहा है, थोड़े देर में खराटा टनने लगेगा, अभी तेरे को मैं सबक सिखाता हूँ। गब्बू तू, तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? मैं अच्छा खासा सो रहा था, तू क्यों मुझे जगा दिया? हाँ अभी ये ढोल बजाना तू बंद कर, मैं बोल दे रहा हूँ। अच्छा ये धुन तुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैं दूसरा धुन बजाता हूँ। दे मुझे दे 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 मुझे मुझे वापिस कर दे दे, ठीक नहीं होगा, मैं कह दे रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ वो कैसा ढोल बजाता है। इस ढोल के डंडे में मैं किल ठोक दिया हूँ, जब वो इस डंडे से ढोल बजाएगा तो तब उसका ढोल फट जाएगा। गब्बू तुझे तो डंडा दिखेगा, किल नहीं, मेरे सर पे तू डंडा से मारा। हाँ वो रहा, गब्बू आ रहा है, अब मैं इस डंडे को फेंक देता हूँ।
टब्बू मेरे डर से डंडा यही फेंक के चला गया। जाओ, उसके आने से पहले इस डंडे को मैं उठा लेता हूँ। अब मैं ढोल बजाता हूँ। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ढोल के डंडे में कील कौन ठोका? टप्पू, अगर तू पकड़ा गया ना तो मुझे पकड़ के तो देखा। शायद उस तरफ है वो, उसे मैं पकड़ के ही रहूंगा। ये क्या, इसमें इतना सारा टॉफी? टॉफी खाने में कैसा लग रहा है गब्बू? बचाओ, 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 बचाओ मुझे। अब मैं इस डब्बे को बजाता हूँ। बम चुकी बम, डम डम, बम चुकी बम बम। मगिया, क्यों रे गब्बू, ढोल बजाना भूल गया क्या? मैं कौन हूँ? मैं अब कहाँ हूँ? तू कौन है? पल फाड़, ये है गोपल फाड़। मालकिन, सुबह से गोबर से लीपते लीपते मेरा हाथ बदबू देने लगा है। अब मैं खाना बनाऊंगी तो खाने का क्या हाल होगा बताइए? क्या होगा, खाना बदबू देगा और क्या, मालिक खा पाएंगे? हाँ, अपने मालिक से ही पूछ लेना, मेरी बातें तो सुनाई नहीं देती। तू बोल कर देख, हो सके तेरी बात सुन ले। ना बोलूंगी ना पूछूंगी, सीधा बना के उनको खिलाऊंगी। पहले जाके बाल्टी रख देती हूँ। पता नहीं कहाँ सरा हुआ गोबर महक रहा है। कहीं से भी बदबू दे, पहले खा के उठ जाइए, बहुत देर हो गई है। ऐ, कितना गंदा बदबू दे रहा है। ऐ, इसमें भी बदबू है। बतासी, गोबर वाला पानी में बना है क्या? नहीं, गोबर वाले पानी से नहीं बनाई हूँ खाना। सुबह से गोबर का काम करते करते मेरा हाथ बदबू दे रहा था, इसीलिए खाना बदबू दे रहा है। बस बस, रहने दो, समझ गया। इसका मतलब जल्द ही मुझे घर बनवाना होगा, वरना मुझे रोज बदबूदार खाना खाना होगा। कह नहीं सकती, कभी गोबर का पानी से भी खाना बना सकती हूँ, तब मत बोलिएगा। समझ गया, रहने दो। लेकिन इस वक्त तो पैसे नहीं है, कच्चे घर को पक्का कैसे बनाऊंगा? कुछ सोचा हूँ मैं। ओए मोहन, सुन। पिताजी, आ रहा हूँ। क्यों, क्या बोलना होगा, समझ गया? हाँ पिताजी, थमत गया। हाँ, इतना समय हो गया, गोपाल क्यों नहीं आया? प्रणाम महलाद। तुम गोपाल का बेटा हो ना? गोपाल कहाँ है, क्या हुआ, बीमार है क्या? दी नहीं महलाद। तो पिताजी को कृष्ण प्राप्त हुए हैं। गोपाल को कृष्ण प्राप्ति हुआ, मतलब गोपाल मर गया? महाराज, ये तो बहुत दुख की बात है। इस समय आपको गोपाल के परिवार को अर्थ देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो महामंत्री। इसे 2000 सोने का मुद्राएं दे दिया जाए और मेरे आदेश का इंतजार कीजिए। जी महाराज। पिताजी, ये देखिए 2000 मोहल, आप देखा बोले थे वैसा किया। इसे कहते हैं बाप का बेटा, अब घर बनवा लेता हूँ। प्रणाम महाराज। ये क्या, राज्यसभा में इतना सन्नाटा? गोपाल मर गया। ये क्या,
कब? मैं तो आते समय देखा हूँ गोपाल कहीं जा रहा था। हाँ क्या? तो फिर गोपाल का बेटा हमसे क्यों 2000 सोने का मुद्रा ले गया? इसका मतलब गोपाल झूठ बोलकर महाराज से सोने का मुद्रा ले लिया। महाराज कुछ कीजिए। कहा हो पहरी। आदेश महाराज, गोपाल और उसके बेटे को राज्यसभा में ले आओ। ये क्या गोपाल, मैं तुम पे इतना विश्वास करता हूँ और तुम मेरे साथ झूठ बोले हो, और तुम्हारा बेटा भी। महाराज आप क्या बोलना चाहते हैं? आप सही से बोलिए महाराज। आज सुबह तुम्हारा बेटा राज्यसभा में आकर बोला है कि तुम्हें कृष्ण प्राप्त हुआ, क्या तुम उसे समझा कि नहीं भेजे थे? महाराज अब जो कह रहे हैं सही है। तुम जब जो मांगे हो तब मैं तुम्हें वो दिया हूँ, आज मांगते तो भी मैं देता। तुम मुझसे झूठ बोले हो इसलिए तुम्हें सूली पे चढ़ाया जाएगा, दंड दिया जाएगा। महाराज मैं झूठ नहीं बोला हूँ। कल जब मैं अपना घर बनवा रहा था तभी ये कृष्ण मूर्ति प्राप्त हुआ मुझे। अगर इसके लिए मुझे सूली पे चढ़ाना है तो चढ़ाइए। सच में गोपाल, तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। तुम महान हो गोपाल।